नवी मुंबई के उभरते खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेनिस प्रतियोगिता से रूबरू कराने और तो और यहां लॉन टेनिस को बढ़ावा देने के मकसद से पूर्व मंत्री गणेश नाइक के नेतृत्व में वाशी स्थित एनएमएसए में लगातार चौथे वर्ष आयोजित इंटरनेशनल वुमेन्स टेनिस चैंपियनशिप फिर एक बार सफल साबित हुई, जहां न केवल भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ियों ने अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाया बल्कि दुनिया भर से आए विविध महिला खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी लाजवाब रहा। हाल ही में पुरस्कार समारोह के साथ इस प्रतियोगिता का समापन बड़े ही शानदार तरीके से संपन्न हुआ, जहां इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं एनएमएसए के अध्यक्ष गणेश नाइक, नवी मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नगराळे मुख्य रूप से उपस्थित थे। साथ ही मौजूद थे एनएमएसए के उपाध्यक्ष डॉक्टर दिलीप राणे, एनसीपी के वाशी तालुका अध्यक्ष राजू शिंदे एवं नागरिक। आखिर सभी को पछाड़ते हुए चीन की जिया जिंग लू ने सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया, जिन्हें आकर्षक ट्रॉफी और $25,000 की इनामी राशि देकर विशेष रूप से उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं इस प्रतियोगिता की उपविजेता रही स्लोवेनिया की तमारा जिदानसेक को भी मान्यवरों के हाथों विशेष रूप से सम्मानित किया गया। पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए अगले वर्ष इस प्रतियोगिता को व्यापक स्वरूप देने का विश्वास जताया। आईटीएफ का इंटरनेशनल वुमेन्स टेनिस चैंपियनशिप का ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी अभी हो चुका है। चाइना की युवती चैंपियन बनी है और आगे चल के अगला साल पांचवा साल रहेगा और पांचवें साल में इस टूर्नामेंट में और जान आएगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। वहीं एनएमएसए के उपाध्यक्ष डॉक्टर दिलीप राणे ने इस प्रतियोगिता को मिले बेहतर प्रतिसाद पर संतुष्टि व्यक्त की। बिल्कुल संतुष्ट है, 25 देशों से लड़कियां हैं और ये इतनी स्टैंडर्ड बढ़ रही है कि दिस इज अ स्टैब्लिशमेंट फॉर आइदर ओलंपिक्स और वर्ल्ड वुमेन्स टूर्नामेंट और इवन विंबलडन और ऑस्ट्रेलिया ओपन। Because you saw that number 140 was also beaten. So there are other people who are coming. So the talent is coming up, and that is the stepping stone. वहीं इस प्रतियोगिता की उपविजेता तमारा जिदानसेक के प्रशिक्षक ने यहाँ मिले अद्भुत प्यार को लेकर अपनी खुशी व्यक्त की। It's very nice. I see that they have brand new surface. They are very kind. So and it's very easy to go with them. So because they are nice and we are nice as well. And our part is tennis. To be together, so I enjoy so much, and I will return back, maybe not with Tamara, I hope so not, but with other player. So very nice to stay here in Navi. तो वहीं इस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम करने वाली चीन की जिया जिंग लू ने अपनी जीत पर खुशी व्यक्त की। I'm really happy today because it's first 25K for me to win this year, and yeah, today I played really good tennis. I gave everything to win. I'm enjoy to stay here actually because I mean it's second time or third time for me to Nawe Mumbai, and I like the city. I like to come here to play. Yeah. Bureau Input, EW Network.